किसको बोलते हैं एक्यूट एंगल? सर जीरो से 90 के बीच में जो होता है जीरो से 90 उसे एक्यूट एंगल अलग अलग ही हो ठीक है। अभी ये आपका एंगल हो गया ए बी और क्या क्या रखा है आगे बताओ। आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन चूज द एंगल ए इज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंगल ए तो ये और एंगल बी ये बी आएगा और ये सी आएगा उसका रीजन क्योंकि एंगल ए के सामने क्या आएगा ये परपेंडिकुलर और ये आपका क्या बेस और ये आपका क्या भी अब हाइपोटेन्यूस अगर मैं ये ले यहां पर एंगल बी लेता हूं तो उसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा मतलब हाइपोटेन्यूस भी चेंज इसका मुझे एंगल यहां पर बी लेना पड़ेगा। इसके ऑपोजिट में यहां जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका ऑपोजिट परपेंडिकुलर वो क्या और ये क्या आ जाएगा आपका और हाइपोटेन्यूस चेंज एंगल ए में ये दोनों है एंगल बी में एंगल के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ठीक है। तो कोस ए की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं बात करूं कोस ए के अंदर ये आपका कोस ए है उसमें बेस आपका क्या है ए सी ए सी और ये है आपका ए बी फिर अपन बात करें कोस बी की सेम वही। अब यहां से अगर हम बात करें तो बेस आपका हो जाएगा क्या बी सी और हाइपोटेन्यूस क्या है वापस ठीक है कैंसल ए सी इज इक्वल टू व्हेन द साइड्स आर इक्वल then the angles are always equal. In this case, both sides are equal, so angle always be same. So angle A is equal to angle B. Okay.